आपको गुजरात और महाराष्ट्र की फेमस रेसिपी बासुंदी बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। इसे खास करके शादी पार्टी और फेस्टिवल पर बनाया जाता है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे कभी भी बना करके खा सकते हैं और इसे काफ़ी फ्लेवर में बनाया जाता है। आज मैं आपको ड्राई फ्रूट बासुंदी बनाना बताऊँगी, ये भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। बासुंदी बनाने के लिए ये हमने 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है। हम ड्राई फ्रूट बासुंदी बना रहे हैं तो उसके लिए ये हमने ड्राई फ्रूट लिए। ड्राई फ्रूट में हमने बादाम और काजू लिए हैं, ये 50-50 ग्राम है। 25 ग्राम पिस्ते, 3 से 4 छोटी इलायची जिसे हमने पीस लिया है, कुछ केसर के धागे, 75 ग्राम चीनी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए हम पैन में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे कि दूध तली में लगेगा नहीं। अब जो हमने दूध लिया था वो भी डाल देते हैं। अब हम दूध को फुल फ्लेम पे गरम कर लेते हैं। जब तक दूध गरम हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब जो हमने ड्राई फ्रूट लेते हैं उन्हें हम छोटे छोटे काट लेते हैं। देखिए हम इस तरीके से सभी ड्राई फ्रूट को काट के तैयार कर लेंगे। ये हमने सभी ड्राई फ्रूट को काट के तैयार कर लिया है। चलिए अब दूध देख लेते हैं। अब इधर दूध भी बॉइल हो गया है। दूध में जो साइड में मिलाई आ जाती है उसे हम इस तरीके से निकालते हुए दूध में मिक्स करते जाएंगे और दूध को हर 1-2 मिनट में नीचे तली पे चलाते हुए पकाएंगे जिससे कि दूध नीचे तली में ना लगे। फ्लेम को हमने मीडियम हाई कर दिया है। हम केसर और ड्राई फ्रूट बासुंदी बना रहे हैं तो जो हमने केसर ली थी वो हम दूध में डाल देते हैं और केसर को मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप बिना केसर के भी बासुंदी बना सकते हैं, वो भी खाने में टेस्टी लगती है। तो चलिए दूध को हम हाफ होने देते हैं। अब ये दूध हाफ हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट काटे थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। छोटी इलायची इसे भी डाल देते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और जो हमने चीनी ली थी वो भी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। और सभी चीजों को मिक्स कर देते हैं। अब हम दूध को 6 से 7 मिनट के लिए और पका लेते हैं, उसे दूध भी गाढ़ा हो जाएगा, जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 6 मिनट करीब हो गए हैं। अब ये दूध बनथर रह गया है और गाढ़ा भी हो गया है। अब ये बासुंदी बनके तैयार हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया बनी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ठंडे होने के बाद भी थोड़ी सी गाढ़ी होगी। अब ये ठंडी भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया बनके तैयार हुई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए कितनी बढ़िया केसर ड्राई फ्रूट बासुंदी बनके तैयार हुई है। ये कुछ कुछ रबड़ी की तरह होती है लेकिन ये रबड़ी से ज्यादा खाने में टेस्टी लगती है। आप भी इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी और आप इसे कब बना रहे हैं। यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। आप मेरे कहने से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। अब हम इसके ऊपर जो हमने ड्राई फ्रूट बचाए थे वो डाल देते हैं, उससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। देखिए लग रही है ना कितनी सुंदर, ये देखने में जितनी सुंदर लग रही है उससे ज्यादा ये खाने में टेस्टी लगती है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गुलाब की पंखड़ी रख देते हैं जिससे ये देखने में और भी ज्यादा सुंदर लगेगी। थोड़े से केसर के धागे, देखिए। अब मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। देखिए कितनी टेस्टी और क्रीमी बनके तैयार हुई है। देखते ही आ रहा है ना मुंह में पानी। आप मुझे कमेंट्स करके ये जरूर बताइए कि आप इसे कब बना रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बहुत जल्दी बनाएंगे क्योंकि खाने में होती है इतनी टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।